मम्मी का चलता है फिर है। तो मिठास के थोड़ा सा गुड़ भी है, ठीक है। और मौसम कैसा है बाहर का मौसम? जवाब ही ना, कितनी बरसात थी, काफी थोड़ी यहाँ से गई है, सामने से गाड़ी जा रही है आपका। ये है जामुन का पेड़, और यहाँ पे जामुन गिर रहा है यहाँ से सीधे नीचे। यार छोटू भाई, तो भाई थोड़ी देर पहले पहुंचा, दिखाया था कैसे जा रहा है आपका, बारिश हो रही थी आपका आपका यहाँ पे। मम्मी ने नहा लिया, अच्छा मैं कपड़े मम्मी नहा के तैयार। टमाटर वाले स्वादिष्ट, छोटे वाले थे नहीं, जो छोटे स्वादिष्ट होते हैं आपका। ये नया आलू आपका यहाँ बाहर का नजारा है, ऐसा किधर आपको। हाँ तो भाई सुबह की शुरुआत हो चुकी है, और ये है हमारा चौथा नहीं पांचवा ब्लॉग, कंप्लीट ब्लॉग, ठीक है। इसमें आपका अभी मॉर्निंग में हो रहा है आपका 7:40, ठीक है। और देखते हैं कि आपका यहाँ पे घर में क्या चल रहा है फिलहाल, मम्मी को देखते हैं मम्मी का चल रहा है प्लीज यहाँ पे। मम्मी इधर इधर देखना, मम्मी का चल रहा है प्लीज। और मिर्चा गए, ठीक है। और हमने बनाई है आज थोड़ी कुछ स्पेशल चाय, ठीक है। ये है हमारी स्पेशल टी, ये है स्पेशल टी क्योंकि ये आपकी नॉर्मल टी से थोड़ी डिफरेंट है। ये बनाई गई है आपकी जौ और तिल से, ये बनी है जौ और तिल से, जौ और तिल से, और क्या कहते हैं इसमें मिलाया हुआ आपका थोड़ा गुड़। तो मिठास के थोड़ा सा गुड़ भी है, ठीक है। और मम्मी का जला पे, मम्मी के यहाँ पे चाय रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पी रहे हैं आपकी चाय आपका, ठीक है, काढ़ा, ठीक है। सब लोग लगे हुए हैं आपका अपने अपने काढ़े को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका आज हमने बनाई है जौ की बढ़िया सी चाय, ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जानते हैं कि आजकल COVID-19 चल रहा है, उसके लिए बहुत परफेक्ट है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगी। और मिठास की अगर आप चाहते हैं चीनी यूज ना करें, गुड़ और शहद का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी और आपको अंदर से हेल्दी बनाएगी। तो ये रही बात, हेल्दी चाय है, ठीक है, हेल्दी है, काढ़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ देखते हैं आपका बाहर का मौसम कैसा है, बाहर का मौसम जवाब ही लग रहा है, ठीक है। मुझे जाना था थोड़ा बाहर सामान लेने, सामान लेने नहीं जा पाया क्योंकि बारिश आपकी बहुत लगातार हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल चल रहा है, ठीक है। और यहाँ चेयर भी थोड़ी भीगी हुई है, चलो कोई नहीं, बैठ जाते हैं कम चला के लिए। और हम इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे आपका मौसम का, बारिश का, ठीक है। लेकिन बारिश बहुत जल्दी होगी, काफ़ी काम रुके हुए हैं, ठीक है। एक तो लॉकडाउन से, दूसरा बारिश से, ठीक है। तो आप लोग भी इन्जॉय कीजिए इतना बढ़िया मौसम बरसात का, क्योंकि शुरू हो चुका है प्रॉपरली। जो आपकी बरसात स्टार्ट होती है आपकी जुलाई से स्टार्ट होती है, ठीक है, जुलाई से बरसात स्टार्ट होती है। और वहाँ देखिए पहाड़ों में बारिश के कारण पहाड़ दिखते नहीं रहे, ऐसे मौसम में भीमताल हो गया। और बाकी माओ के अच्छे रीजन हो गया, पुरानी खेत हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, वहाँ पे घूमने में काफ़ी बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी सुबह की शुरुआत, और मैं इन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ पे आपका अपना ये बढ़िया देसी काढ़ा, ठीक है, जो कि जौ तिल से बना हुआ है और बहुत बढ़िया सेहत के लिए लाभदायक। यहाँ पे देखिए आपका ये पेड़ पहले सूख गया था, अब दोबारा भाई हम तो आ चुके हैं आपका यहाँ से घूमने के लिए। देखो यहाँ से बाहर का नज़ारा देखो कितना बढ़िया, ठीक है। ये यहाँ का नज़ारा आपका, ये यहाँ से गई है, सामने से गाड़ी जा रही है आपका, ठीक है। सामान लेकर ये रिले सामान ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ की जाती है आपका, ठीक है। तो ये देखो यहाँ के खेत आपका, तो बढ़िया कितना नज़ारा है यहाँ का, ठीक है, बहुत बढ़िया अति उत्तम, ठीक है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में घूमना काफ़ी बढ़िया लगता है ना मॉर्निंग आपका, खासकर यहाँ से आपके पेड़ हो गया और सारी मतलब चीज़ें आपको अच्छी दिखती हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपका ये तो आपका यहाँ के यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन बेसिकली थोड़ा इसकी वजह से खेत वेत जो होते हैं ये क्या होते हैं आपका बेकार हो जाते हैं, दिख जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा अर्बन डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। फ्रेश एयर थोड़ी लूज़ हो जाती है, यहाँ पर किसान खेती कर रहे हैं देखो, ठीक है। और वहाँ बाहर का एनवायरमेंट है आपका, लेकिन तो ये है। तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ दौड़ने।
ये है आपके जामुन, जामुन गिर रहे हैं, ये जामुन के आप जामुन आपका बस हो गया। थोड़े जामुन देखते हैं, जामुन गिर रहे हैं, ये छोड़े कैसे इतना बढ़ गया मेरा। ये मेरा जामुन ये जामुन का पेड़, यहाँ पे जामुन गिर रहे हैं यहाँ से सीधे नीचे, गिरने से थोड़े काफी खराब हो गए। ये जामुन तो ये जामुन, ये है जामुन गिर के थोड़ा बिगड़ गए हैं। रोड में गिरने से खाने लायक तो रहेगी कहीं, ठीक है चलो कोई नहीं, देखते हैं कहीं स्ट्रीट होकर होगा तो वहां से परचेस कर लेंगे। यार छोड़ू भाई, तो भाई थोड़ी देर पहले पहुंचा, दिखाया था कैसे जा रहा है आपका, बारिश हो रही थी आपका, ठीक है तो बारिश में सामान लेना थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है क्योंकि रास्ता भी थोड़ा मतलब गड्ढे वाला है। बीच में जामुन का पेड़ भी दिखा, जामुन का पेड़ भी था वहां पे, जामुन गिर रहे थे। मैंने कहा भाई थोड़े पैसे ले ले जामुन देते, लेकिन उन्होंने कहा भैया कि पहले हम सब्जी तोड़ेंगे उसके बाद जामुन। देखिए भैया अभी तक मैं कपड़े नहीं उतारे और चल रहे हैं कि क्या सामान परचेस किया, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये आपका यहाँ पे मम्मी ने नहा लिया, मम्मी नहा के तैयार, ठीक है। हाँ तो मम्मी क्या क्या सामान लाया जरा बताओ यहाँ। आना जरा बता ना मम्मी क्या सामान लाए हैं यहाँ पे आपका। हाँ क्या क्या है ये देखो, आम, ये तो आम लाया है, ठीक है ये है 3 किलो आम, 3 किलो आम बढ़िया दशहरी एकदम ताजा फ्रेश आम आपका, ठीक है। और ये है प्याज 2 वैरायटी के आपका। हाँ तो भाई ये है आपकी आज की शॉपिंग, मॉर्निंग की शॉपिंग, ये है आपका आम, ठीक है आम दशहरी आम, ठीक है बहुत बढ़िया लाजवाब आम। और ये है आपका अरबी, ठीक है दशहरा आम खूब आ रहा है, आम का सीजन है, दशहरा आम आ रहा है, लेकिन कितने लोग आपका सड़े आम भी देते हैं। हाँ, इसलिए हमें अच्छे से चेक करके खरीदनी चाहिए, आम के हर चीज हमें चेक करके लेनी चाहिए। टमाटर काफी होता है, ये टमाटर आपका, ठीक है आज का टमाटर। और ये है प्याज, प्याज 2 वैरायटी का नाम है यहाँ पे देखो, एक छोटा प्याज एक बड़ा प्याज। बड़ा प्याज इसलिए क्योंकि ये कहते हैं बड़े प्याज क्या कहते हैं आपका, थोड़ा लाल कलर का भी है, ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। ना ना प्याज दोनों अच्छे क्वालिटी के हैं, और आपके छोटे जो है अचार है मतलब सलाद में सलाद के क्या कहते हैं आपका काम बढ़िया आता है, और ये आपका सब्जी में डालने के लिए उसके लिए बढ़िया, ठीक है। और ये है आपका यहाँ पे आलू 2 वैरायटी का लाया हूँ आपका, ठीक है ये नया आलू है, नया आलू, ये कोल्ड स्टोरेज का आलू है, ये नया आलू और क्या कहते हैं पुराना आलू 2 वैरायटी का आलू। और यहाँ पे अदरक है, ये अदरक, अदरक हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। अदरक मम्मी में क्या कहते हैं आपका, ये जैसे मिली क्योंकि वहाँ पे ज्यादा ठेले थे नहीं ना, तो मैं आपका यही वाला ला गया आपका, ठीक है छांट के फिलहाल सही है, सही ला गया आपका। उसमें मिर्ची निकाल ली, मिर्ची भी थी इसमें। और ये दूध है, और ये चाय पत्ती है, और ये बेसन, अंडे, मिर्ची निकालना है यहाँ पे आपका, यहाँ मिर्ची अलग से निकाल, ठीक है। तो ये है हमारी आज की, ये है हमारी आज की मिर्ची, कोई बात नहीं वैसे ही लग लिया, मैंने कहा कि दे देते हैं, ये है चल रहा है क्या, ये है हमारी आज की शॉपिंग, ये सब की है हम अक्सर हफ्ते यानी एक दिन छोड़ के रोज शॉपिंग। हाँ मम्मी पसंद आई सब्जी, पसंद आए 3 किलो आम, 1 किलो प्याज, ये है 16 वैरायटी का, ये है बड़ा वैरायटी का और मैडम का, और जगह ये है 1 किलो टमाटर, टमाटर वाले छोटे वाले थे नहीं जो छोटे स्वादिष्ट होते हैं आपका, ये नया आलू, ये पुराना आलू, पारा पुराना निकालना भी कैसा वाला देखना जरा, ये बाहर का शोर हो रहा है साला यहाँ पे, क्या कहते हैं आपका ये बगल में काम चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, इससे शोर हो रहा है, इस वजह से इसमें लगातार यहाँ काम चलता है। आधा किलो अरबी, 1 किलो पत्ती दिखाना, में कौन सी वाली है पत्ती वाली, ये नया आलू, ये पुराना आलू, ये चाय पत्ती, चलो संभालो भैया आज का, तो इसको हम
इस्तेमाल करने से पहले धो लें अच्छे से, क्योंकि हमें दो तीन दिन में जाना पड़ता है, बारिश के दिन है यहाँ से, थोड़ा दूर पड़ता है, थोड़ी रोड है, थोड़ी रोड कच्ची है, अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चलेगा, अभी तो जैसे तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन इलाका प्रकृति का काफी अच्छा पहाड़ नजारे दिखाई देते हैं, गांव का इलाका है भैया। चलो भैया आपको बाहर का दिखाते हैं, देखो रखो मेरी तो पैंट उतर जा रही है, नहा लेता हूँ मैं थोड़ी देर। तो ये है आपका यहाँ बाहर का नज़ारा, तो हमेशा की तरह आपको सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ का दिखाया जाता है, बहुत बढ़िया नज़ारा है एकदम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन, और ये हूँ मैं देखो यहाँ पे, और ये देखिए भैया ये कितना बढ़िया व्यू है, आज का मौसम भी है थोड़ा ऑसम, बहुत बढ़िया मौसम। इसी के साथ देखिए भाई मॉर्निंग में क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, सबसे पहले बता दो जो आपकी चाय बनाई थी, देखिए ये जौ है और थोड़ी तिल, जौ और तिल की चाय बनाई थी जो थोड़ी देर पहले ही आपको देखने को मिला कि जो हमने काढ़ा बनाया था, और ये है आपका आमलेट बनने की तैयारी, आमलेट नहीं ये हमने क्या किया इसमें 3 अंडे फेंटे हैं और ये थोड़ा काली मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा नमक, ये आपकी चाय तैयार हो गई है, इसे तवे में डाल दूँ। और यहाँ पे मम्मी लेटी पड़ी है, मम्मी की तबीयत थोड़ी वीक चली है, और बाहर का मौसम यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखिए यहाँ से जल्दी साफ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये थर्ड मंजिला बिल्डिंग है, तो थर्ड बिल्डिंग में देखते हैं यहाँ से आपको साफ दिखाई देता है, और ये डाल दिया घी यहाँ पे, और ये बननी चाय, ये आमलेट नहीं ये क्या कहलाता है आपका, अंडा फ्राई, हाँ आमलेट तब होता है, ये आमलेट ही कहलाता है, भुजिया जो होता है आपका प्याज डाल के बनता है, और इसमें अगर प्याज नहीं डाल तो आपका ये आमलेट कहलाता है शायद। यहाँ पे चाय तैयार हो रही है बढ़िया से, अच्छी चाय आपकी सब्जी बनी बढ़िया, मम्मी ने सब्जी बनाई सुबह सुबह आलू टमाटर प्याज की, बहुत बढ़िया टेस्टी, मम्मी जब भी सब्जी बनाती काफी स्पाइसी और बहुत स्वादिष्ट बनती है, क्या क्या चीज़ें कम मसालों के इस्तेमाल से, यह तैयार हो गया भैया ऑमलेट, इट्स ऑमलेट, तो यहाँ फिलहाल आपका आमलेट बन चुका है, अब इसको परोसा जाएगा सब लोगों के लिए जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, अच्छे से पक चुका है, इसमें काली मिर्च डाल दी, काली मिर्च सादा है, चलो भाई ऑमलेट तैयार हो गया आपका, अब ये डलेगा पिंक कलर में, ये मम्मी पाउडर ले जाए, दूध डाल देते फिलहाल, नहीं डाल दे
ये पाउडर पाउडर वैसे दूध होने के बावजूद है कि ज़्यादा पाउडर वाली चाहिए यहाँ पे। ये भाई ये हो रहा बंटवारा भारत और चीन का, भारत पाकिस्तान नेपाल सब कटेगा यहाँ पे। ये देखिए हो गया बंटवारा यहाँ पे तीन पार्ट में, देखते हैं किसको ज्यादा मिलता है, पाकिस्तान को मिलता है चाइना को मिलता है। और चाय रेडी है आपकी, चलो चाय डाल दो। ये बचाओ अभी निकाल लेते हैं। चलो मम्मी उड़ा दो, मम्मी 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 चलो। अरे उन्हें उन्हें चलो। तो फिलहाल हम कर रहे हैं नाश्ता, आप भी करिए नाश्ता। हाँ तो भाई दिन के हो चुके हैं आपके 4:15 यानी 3:45 और यहाँ पे खाना बन के तैयार हम लोगों का, ठीक है हमेशा की तरह आपका यहाँ पे आम और क्या कहते हैं आज बनाई है बड़ी की सब्जी, ठीक है चटपटी बड़ी चावल आपका बड़ी बहुत बढ़िया आपका चटपटा इस बार भी, ठीक है हम लोगों को ना चटपटी चीज़ें बहुत पसंद है आपका चटपटा चटपटी दाल सब्जी है कि नहीं। और आपका यहाँ पे चावल और हमारा खाना रेडी है, ठीक है बाहर का मौसम भी बहुत बढ़िया और खाना भी बहुत बढ़िया, ला जाओ आप कुछ कहना चाहेंगे भाई खाने के बारे में? बहुत लाजवाब खाना, अब हम इसको खा के एंजॉय करेंगे, ठीक है। हाँ ये तो इनको देख के लग रहा है कि खाने से पहले एंजॉय कर लिया है, ठीक है कि काफी बढ़िया आपका बड़ी तैयार आम भी है हमारे खाने में है कि नहीं। तो खाने आज का आमों का सीजन चल रहा है तो मंडी में अच्छे अच्छे आम मिल रहे हैं खाने का। बाकी ये है आपका हमारा बड़ी की सब्जी चटपटा बड़ी की लाल, ठीक है बनाने के लिए क्या करें बड़ी लीजिए, सबसे पहले तो आप घर की बनी हुई बढ़िया ले लीजिए। ये रेसिपी शायद हमने शेयर की हुई है कुमाऊनी बेलन, घर की बनी हुई बढ़िया ले लीजिए और फिर उसको भून लीजिए, अदरक प्याज टमाटर डाल के मसाले डाल के अच्छे से ढक्कन लगा के फिर पानी डाल के पका लीजिए अच्छे से बढ़िया। चलिए भाई ये तो तरीका था बढ़िया बनाने का, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं ये कढ़ाई में हुई क्या कहते हैं कुमाऊं में ज़्यादातर कढ़ाई लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल की जाती है, कुछ लोग तो भगोना का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक तो क्या कहते हैं भगोना भी इस्तेमाल करते हैं, आपके स्टील के पतीले भी होते हैं पहाड़ों में पतीले भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा होता है जो बर्तन होते हैं अगर मिट्टी के बर्तन में पकाया जाए वो ज़्यादा बढ़िया होता है, एल्यूमिनियम और ये बर्तन मिट्टी के बर्तनों का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, वैसे आजकल होता तो नहीं है इस्तेमाल। मिट्टी के बर्तन भी काफ़ी बढ़िया होते हैं, ठीक है पुराने घरों में और गांव में अभी भी यूज़ किए जाते हैं। हाँ मिट्टी के बर्तन भी अच्छे होते हैं। तो ये तो फिलहाल आज का ब्लॉग हमारा, ठीक है इसका हम करते हैं, बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और ये जो हमारा जो स्वाद है आपका बड़ी का अभी से बना के खाएं, बहुत ही घर की बनी बढ़िया बहुत सी बढ़िया भी कई प्रकार की बनती है, भूजे की बनती है ककड़ी की बनती है और भी दालें वगैरह मिक्स की जाती है उसमें वैरायटी की बढ़िया बनती है अच्छी होती है टेस्टी होती है। हाँ तो भाई ये था ये एक तरीके से दाल को और ककड़ी और जो भी चीज़ें भूजे अवेलेबल होते हैं ये एक तरीके से स्टोर बढ़िया एक स्टोर करने का तरीका है, क्योंकि हर सीजन में भूजा या ककड़ी तो मिलेगा नहीं इसलिए इस रूप में हम खा सकते हैं। हाँ भूजा हर सीजन में मिलता तो आप भूजे या मूली की जो बढ़िया है ऐसे बना के रख स्वाद ले सकते हैं टेस्ट ले सकते हैं। हाँ तो ये जैसे आपको भूजे गुड़ी ले आएगा और बाकी मम्मी वहाँ पर आ रही है वहाँ से आ रही है, आप लोग क्या कहते हैं इंजॉय करिए। आप लोगों का मेरे ख्याल से खाना हो गया होगा, फिलहाल हमारा नहीं हुआ है, ठीक है इसलिए हम थोड़ा जल्दी में हैं और इसके बाद आप लोग से कल मुलाकात होती है।